हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं सैम्पल पेपर सॉल्व करना तो ये सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर आए हैं तो स्टैंडर्ड के लिए अलग है बेसिक के लिए अलग है तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड के लिए जो पेपर आया वो सॉल्व कर रहे हैं पेपर का पैटर्न मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपका जो वेटेज यहाँ पर था जिसका वीडियो की मैंने अपलोड किया तो जो आपका वेटेज यहाँ पर था ना कि ये कि नंबर सिस्टम आपका सिक्स मार्क्स का था एल्जेब्रा ट्वेंटी मार्क्स का था एल्जेब्रा तो एल्जेब्रा में जो आपके चार चैप्टर हैं टू थ्री फोर फाइव तो इन चारों चैप्टर को मिलाकर ट्वेंटी मार्क्स के, के क्वेश्चन आने वाले थे तो ये सैंपल पेपर में उन चैप्टर ने कितने मार्क्स यहाँ पे कवर किए उसके अकॉर्डिंग मैंने वो वेटेज बनाया था तो, तो एग्जाम में भी आपके चैप्टर से उसी वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे तो सेक्शन ए यहाँ पे हम सॉल्व करें टोटल सेक्शन ए में अगर मोटा मोटा पूरा क्लियर करके देखें तो टोटल थर्टी टू क्वेश्चन है तो वन तो टू तो तो क्वेश्चन आपके सिंपल है और जो आपके बाकी रिमेनिंग चार हैं सेवनटीन से लेकर ट्वेंटी तक ये चार जो क्वेश्चन है उसको आपके केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में पांच टाइप उसके अंदर सब पार्ट होंगे उन सब पार्ट में से आपको कोई चार सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल है केस स्टडी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है बाकी वन टू सिक्सटीन क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है तो फर्स्ट इज इफ एक्स वाई इक्वल टू वन एटी एंड एच सी एफ ऑफ एक्स वाई थ्री देन फाइंड द एल सी एम ऑफ एक्स वाई तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपको कोई भी दो नंबर है उनका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट वन एटी है और उन दोनों नंबर का एच सी एफ थ्री है तो आपको उन दोनों नंबर का एल कितना होगा तो ये हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है उस फॉमूला से हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं कि हमें पता है किन्नी भी दो नंबर का यानी कि एक्स वाई का एल सी टू जो एच सी एफ होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है यही होता है तो यहां पे वैल्यू पुट कर लो आपको एलसीएम फाइंड करना एच सी की वैल्यू पुट कर लो एक्स इन टू वाई की वैल्यू पुट कर लो तो ये यहां पे क्या हो जाएगा क्योंकि हमें एलसीएम चाहिए तो ये 180 के डिवाइड में आपका थ्री आ जाएगा तो आंसर आपका यहां पे कितना आ जाएगा सिक्सटी तो ये वन मार्क का क्वेश्चन है तो यहां पे आपका क्या होगा कि अगर आपने फॉर्मूला भी लिख दिया और कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो आपको हाफ मार्क यहां पे मिल जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है बिल्कुल सही है तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे अगर आपने आंसर अगर रॉन्ग है ऑप्शन में से ऑप्शन में से राइट ऑप्शन टिक करने पर आपका आंसर सही होगा अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग है बट यहां पे ऐसा नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो आप थोड़ा सा भी लिख दोगे तो आपको हाफ मार्क यहां पे मिल जाएगा ओके okay, तो इस तरह से आपको आंसर लिख के बता देना है तो ये अगर आपने इस तरह से लिख दिया तो आपको पूरा वन मार्क यहाँ पे मिल जाएगा नाउ सेकंड इसका ऑप्शन है आपको यहाँ पे टोटल फाइव क्वेश्चन वन टू सिक्सटीन में से फाइव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे तो यहाँ फर्स्ट में है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन फोर फाइव एट सेवन डिवाइडेड बाय टू पावर वन इन टू फाइव पावर फोर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस तो हमें यहाँ पे पता है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ टू और फाइव हो तो वो टर्मिनेट हो जाता है और टू और फाइव में से जिसकी पावर मैक्सिमम होगी उतने डेसिमल यहां पे आएंगे क्योंकि हमें अगर इसको टर्मिनेट करना है तो यहां फाइव पावर फोर है तो टू पावर को भी हमें फोर बनाना पड़ेगा तभी तो फाइव और टू मिलकर जीरो आएंगे तो हम यहां पे क्या करते हैं टू पावर थ्री का ऊपर और टू पावर थ्री का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि यहां पर भी टू पावर फोर हो जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा क्योंकि फाइव की पावर मैक्सिमम है इसीलिए आफ्टर फोर प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा तो यहां पर आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा कि दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर फोर डेसिमल प्लेसेस क्योंकि डिनोमिनेटर में फाइव की मैक्सिमम पावर फोर है तो आंसर आपको इस तरह से राइट करके बताना गिवन नंबर इज दिस इन डिनोमिनेटर मैक्सिमम पावर इज फोर सो नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर फोर डेसिमल प्लेसेस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू इफ द सम ऑफ द ऑफ ऑफ द द इज देन फाइंड वैल्यू तो आपको यहाँ पे क्वाडेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके दो जीरो क्वारेटिक पॉलिनोम के दो जीरो होते हैं और दोनों जीरो का सम आपको यहां पे दिया हुआ है थ्री यानी कि हमें यहाँ पे दिया हुआ एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थ्री देन आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाला हम कैसे सॉल्व

दोनों के सेम है तो राइट भी दोनों के क्या हो जाएंगे इक्वल तो बी और ए की वैल्यू कहां से आएगी इनके कॉफिशियंट से तो ए यहाँ पे कौन होता है ए आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट होता है ए हो गया थ्री और बी यहाँ पे कौन होता है बी होता है एक्स का कॉफिशियंट तो ये हो गया माइनस के और सी आपका कॉन्स्टेंट होता है बट हमारे यहाँ पे जरूरत नहीं है तो नाव क्योंकि ये दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे तो थ्री इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया तो नाव वैल्यू पुट कर लो थ्री इक्वल टू माइनस बी कितना है माइनस के और ए कितना है थ्री तो ये थ्री यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए तो थ्री इंटू थ्री हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो के तो दिस एम्प्लाइज के इक्वल टू आपका यहाँ से कितना आ गया नाइन आ गया तो सिंपल क्वेश्चन है इसमें कोई टफ वाली बात ही नहीं है

वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू होना चाहिए अगर दो लाइन पैरेलल है या हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब उसकी कंडीशन आपको याद रखनी है उस कंडीशन को याद करके और आप यहां पे उसको कंडीशन को पुट करके किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को यहां पे फाइंड कर सकते हो तो गिवन इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया और ये कंडीशन लिख दी कि जब दो लाइन पैरल है तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है और नो no सोलूशन के हमारे पास ये कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू अब ये ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू कहाँ से आएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन से ए वन बी वन सी वन सेकंड इक्वेशन से ए टू बी टू सी टू लिखेंगे तो ए वन कौन हो गया एक्स का कॉफिशियंट तो वो हो गया आपका थ्री फर्स्ट इक्वेशन से लिख रहे हैं बी वन कौन हो गया वाई का कॉफिशियंट वन और सी वन क्या हो गया सी वन हो गया हमारा थ्री तो देखो यहां पे दोनों इक्वेशन के अंदर इक्वल के इस साइड में आपका कांस्टेंट टर्म है तो आप उसको इधर लेकर जाओगे तो माइनस थ्री हो जाएगा और अगर एक को लेके गए हो तो दोनों को लेके जाना है अगर मैंने यहां पे दोनों इक्वेशन को चेंज नहीं किया मैंने कांस्टेंट को इक्वल के इधर ही रखा है अगर आप इसको उधर लेकर जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा कोई आंसर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सी वन अपॉन सी रखोगे तो माइनस थ्री अपॉन माइनस एट थ्री अपॉन एट ही हो जाएगा लेकिन अगर ले जा रहे हो तो दोनों को लेके जाना है और या फिर तो सी है

हमारी होती है जब दो लाइन्स पैरेलल हो जाती है नाउ नेक्स्ट फोर्थ If थ्री चेयर्स एंड वन टेबल कॉस्ट rupees फिफ्टीन hundred एंड सिक्स चेयर एंड वन टेबल कॉस्ट रुपीज ट्वेंटी four hundred फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन तो आज सिंपल क्वेश्चन है ये तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वहां से ये क्वेश्चन आया है तो so, आपको यहाँ पे इस, इसको इक्वेशन uh, को रिप्रेजेंट करके बनाना लीनियर इक्वेशन बनानी है तो so, आप यहाँ पे क्या करोगे चेयर को लेट कर दो कि वो एक्स रुपीज के टेबल को लेट करोगे एक चेयर की रेट है एक्स रुपीज एक टेबल की रेट है यहाँ पे वाई रुपीज तो इक्वेशन क्या बन जाए?

तो इस तरह से आपको आंसर यहाँ पे लिख के बता देना है। वन मार्क लेना है तो इतना आंसर लिखना पड़ेगा कि हमने चेयर की रेट को एक्स लिया है वन टेबल की रेट को वाई लिया है उससे हमारी ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गई है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ ऑप्शन है आपके पास में टर्म ऑफ इज जीरो तो यहां पे आपको बताना है कि इस ए पी की कौन सी टर्म जीरो होगी तो हम अलैक्ट कर लेते कि एन टर्म यहां पे आपकी जीरो होगी तो फर्स्ट टर्म यहां पे कौन है ए आपका ट्वेंटी सेवन हो गया डी यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी सेवन यानी कि ये हो गया माइनस थ्री हो गया और ए एन हमने यहां पे जीरो ले लिया क्योंकि आपने कहा है ना कौन सी टर्म जीरो जीरोगी तो हम कह रहे कोई एंथ टर्म होगी जो जीरो होगी तो एन्थ टर्म यहाँ पे फाइन करने का फॉर्मूला क्या होता है ए एन होता है तो हमने यू की इसको आगे लेते जाएंगे कहीं ना कहीं पर जीरो आएगी तो जो टर्म हमें नहीं पता उसको मैं ए नहीं तो लेते तो लास्ट टर्म हमारी वो होगी तो ये एन का फॉर्मूला लगा के और इसको हम करेंगे तो हमें हमें पे एक्चुअल में फाइंड फाइंड क्या करना है है एन की वैल्यू करनी है. कि कौन से नंबर की टर्म जीरो होगी उसमें से हमें ये एन बताना कौन सी वैल्यू पुट करने पर इक्वल जीरो आएगा तो हमें एन फाइंड करना है ओके okay, तो जो भी मैंने आपको आपको एक्सप्लेन किया वो लिख दिया नाव ए एन का फॉर्मूला लगा दिया अब जो जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे यहां पे लिखी है वो यहाँ दो है हमने लिखा है कि एंथ टर्म जीरो ए एन की जगह जीरो हो गया ए की जगह ट्वेंटी सेवन रख दिया प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी आपका यहाँ पे हो गया माइनस थ्री तो अब ट्वेंटी सेवन को उधर लेकर गए तो ये प्लस का ट्वेंटी सेवन उधर जाके माइनस का ट्वेंटी सेवन हो गया इधर एन माइनस वन और माइनस थ्री बचा अब माइनस थ्री को उधर लेके जाते हैं तो माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में तो इक्वल टू हो गया एन माइनस वन माइनस से माइनस कैंसिल थ्री से ट्वेंटी सेवन कैंसिल होगी

इसका ऑप्शन वाला इन एन अरेथमेटिक प्रोग्रेशन इफ डी माइनस फोर है एन सेवन है एन ए एन इक्वल टू फोर देन फाइंड यहाँ पे तो आपको सीधा वैल्यू दी हुई है और ए एन फाइंड यहाँ पे ए फाइंड करना तो सेम जैसे यहाँ सॉल्व किया यहाँ एन फाइंड करना था यहाँ ए फाइंड करना वही फॉर्मूला लेना है वैल्यू पुट करना है तो हमने वैल्यू पुट कर दिया फार्मूला लिख वैल्यू यहाँ पे लिख दी जो गिवन थी फॉर्मूला लगा दिया वैल्यू पुट कर दिया तो अब हमें ए की वैल्यू चाहिए ए हमें नहीं पता एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ए एन वैल्यू ए एन पुट कर लिया एन पुट कर लिया डी पुट कर लिया तो ये हो गया फोर इक्वल टू ए प्लस सेवन माइनस वन हो गया आपका सिक्स और ये हो गया माइनस फोर तो अब आपका यहाँ पे हो गया ये फोर इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस सिक्स इंटू फोर हो गया आपका ट्वेंटी फोर ए की वैल्यू चाहिए ट्वेंटी फोर को इधर भेज दो तो फोर माइनस इधर जाके हो गया प्लस ट्वेंटी फोर तो यहाँ से आपका ए कितना आ गया ए आ गया आपका यहाँ से ट्वेंटी एट हो गया ओके नाउ सिक्स क्वेश्चन देखते फिर फॉर वर्ट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स तो आपको यहाँ पे इक्वल रूट्स की कंडीशन याद होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट का होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल क्या होता है जीरो यानी कि माइनस का बी प्लस माइनस इन रूट ऑफ डी यहाँ पे जो होता है अपॉन टू ए तो ये वाली वैल्यू अगर आपकी जीरो जाती है तो दोनों रूट माइनस बी अपॉन टू ए हो जाते हैं तो ये कंडीशन छोटी छोटी आपको याद रखनी जिससे कि आप इन क्वेश्चन को ईजिली ए पार्ट को सॉल्व कर पाओ तो सेम यहाँ पे हम ए बी सी इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे और बी स्क्वायर डी कितना होता है आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है तो इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करके और बता देंगे कि यहां से के कितना आने वाला है तो गिवन इक्वेशन वी नो दैट फॉर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो ए यहां से कौन हो गया नाइन बी कौन हो गया एक्स का 6K, और सी कौन हो, हो गया तो ना वैल्यू पुट करो बी यानी कि स्क्वायर माइनस फोर ए आपका हो गया नाइन और सी आपका यहाँ से हो गया फोर इक्वल टू जीरो सिक्स यानी थर्टी सिक्स का स्क्वायर हो गया थर्टी सिक्स के स्क्वायर तो यहाँ पे के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस तो ये यह आपका यहाँ पे हो जाएगा चलो हम इसको सॉल क्यों करें हम तो इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं ये माइनस फोर इंटू नाइन इंटू फोर को हम इधर लेके

फोर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू का स्क्वायर टू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो के की वैल्यू हमारे पास दो आ गई है प्लस माइनस टू दो वैल्यू हमें यहाँ से मिली है के की एक प्लस टू और एक माइनस टू तो आप चाहे प्लस टू पुट करो चाहे माइनस टू पुट करो हमें रूट यहाँ पे इक्वल मिलने वाले हैं नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन में हमें फिर से ऑप्शन मिला है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी आपको इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है चाहे तो आप क्वाडिटिक फार्मूला लगा लो चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो आप कैसे भी इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो तो वो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम देख सॉल्व करके देखते हैं

बस हमने यहां पे सॉल्व कर लिया तो योग एक्स स्क्वायर फाइव एक्स हो गया प्लस है तो हमें देखने की जरूरत है प्लस आप यहाँ हो गया टू एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो और फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन लेना है तो हम फर्स्ट में से आया AX कॉमन क्योंकि टाइम टाइम है है तो यहाँ से AX बचा यहां से बचा से फिर प्लस टू हमने बाहर ले लिया तो यहां से AX आ गया और यहां से टू के टेबल में टेन आया फाइव टाइम हो गया इक्वल टू तो जीरो यानी कि आपके यहाँ पे एक्स प्लस फाइव हो गया और एक्स प्लस टू हो गया तो हमें जीरोस फाइंड करना है तो जीरोस फाइंड करना है तो एक बार या तो दोनों प्रोडक्ट में जीरो या इसकी वजह से या इसकी वजह से तो

क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्टी एक्स स्क्स एक्स प्लस टू जीरोस देन जीरो आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को हम यहाँ पे आयोटा की फॉर्म कहते हैं टर्म नहीं आनी चाहिए आप यहां पे देखो अगर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई मतलब वो रूट रियल नहीं है तो इस कंडीशन को लेकर हम सॉल्व करेंगे और ए की वैल्यू को यहाँ पे फाइन

फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए कौन है आपका यहाँ पे थर्टी ए है और सी कौन है यहाँ पे आपका वन है लेस देन जीरो नाउ उसको आपको सॉल्व करना है तो माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है सिक्स का स्क्वायर हो गया थर्टी सिक्स फिर माइनस थर्टी इंटू फोर तो, तो ये हो गया वन ट्वेंटी और ये ए हो गया तो लेस देन जीरो हमें ए की वैल्यू चाहिए तो पहले नंबर को उधर शिफ्ट कर लो या फिर ये नेगेटिव टर्म है हम इसको उधर लेके चले जाते हैं तो ये हो गया थर्टी सिक्स लेस देन नेगेटिव का उधर गया तो ये वन ट्वेंटी ए हो गया अब हमें ए की वैल्यू चाहिए तो वन ट्वेंटी को उधर लेकर आ जाओ

ओके okay, तो ये हमारा हो गया सेवेंथ का सोल्यूशन जिसमें हमने बता दिया कि थ्री बाई टेन से आ, ए जो है वो थ्री बाई टेन से बड़ा होना चाहिए नाउ नेक्स्ट अब आपके यहाँ पे एट क्वेश्चन देखो तो ये तो बिल्कुल आपका एनसीईआरटी टी बुक से ही है कि इफ पी क्यू इक्वल टू ट्वेंटी एट सेंटीमीटर तो फिगर में आपको दिख रहा है ये आपका पी है ये आपका क्यू है ये एल है ये एन है ये एम है और ये टी है तो ये पी क्यू जो है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया हुआ है ट्वेंटी एट सेंटीमीटर ओके तो हमें पता है कि किसी भी सर्कल से अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो लेंथ में इक्वल होती है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पी क्यू इक्वल हो जाएगा पीटी के तो पी क्यू और पी टी दोनों ही आपके ट्वेंटी एट सेंटीमीटर के हो जाएंगे और ये एल भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है इससे भी दो टेंजेंट ड्रॉ की एक ये रही एक ये रही तो एल से जो ड्रॉ की एल क्यू इक्वल टू आपका यहाँ से क्या हो जाएगा एल एन हो जाएगा और तीसरा एम भी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है तो एम एन इक्वल टू आपका यहां से हो जाएगा एम टी हो जाएगा अब हमें यहां पे क्या फाइंड करना है पी एल एम सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना है ये आपका पी एल एम है तो पी एल एम का पेरीमीटर यानी इस साइड इस साइड और इस साइड का सम यानी कि पेरीमीटर आपका हो जाएगा पी एल प्लस एल एम प्लस और ये थर्ड साइड पी एम तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा तो पी एल तो हमें पता नहीं बट हमें पी क्यू पता है तो मैं एल एम को क्या करती हूँ दो पार्ट में चेंज करती हूँ एल एम को मैं एल एन प्लस एन एम कर देती हूँ तो ये देखो पी एल प्लस एल एन प्लस एन एम हो गया प्लस पी एम यहां पर पहले से ही है ओके okay, तो पी एल एल एन कितना हो जाएगा एल एन की जगह हम एल क्यू रख सकते हैं क्योंकि मुझे पी क्यू की वैल्यू पता है तो मैं एल एन की जगह पे, पे क्या एल क्यू रख सकती हूं तो पी एल प्लस एल क्यू गया सेम यहाँ पे भी N, की जगह एम टी रख देती हूँ क्योंकि मुझे पीटी पता है ट्वेंटी एट है तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा एम टी प्लस पी एम तो ये मिलकर आपका हो गया ट्वेंटी एट और ये मिलकर आपका यहां पे हो गया ट्वेंटी क्योंकि पी एल प्लस एल क्यू आपका पी क्यू हो गया और पी एम एम टी आपका यहाँ पे पीटी हो गया तो ये ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी एट आंसर कितना आ गया आपका फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर यूनिट लगाना नहीं भूलना तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर यहाँ पे राइट कर लेना दिया मैंने जो आपको एक्सप्लेन पहले से कर दिया था ये मैंने यहाँ पे फेयर कर दिया नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन है तो ये तो बिल्कुल वन मार्क के क्वेश्चन है ही नहीं है तो टू मार्क के क्वेश्चन है क्योंकि इनका सोल्यूशन थोड़ा बड़ा है और वन मार्क में आपको ये दे दिए इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंट एट सिक्सटी डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस थ्री सेंटीमीटर देन फाइंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट तो यहाँ पे क्या कहा है कि जैसे ये यहाँ पे सर्कल बना दिया मैंने अब इस पर दो टेंजेंट बनी हुई एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दो हमने यहाँ पे टेंजेंट्स बना दिए इस तरह से ओके इसको मैंने पी नेम दे दिया इसको मैंने क्यू दे दिया आर दे, तो ये जो टेंजेंट्स है एक दूसरे इस पर कितने झुकी हुई है सिक्सटी डिग्री यानी कि ये एंगल हमारा यहाँ पे हो गया सिक्सटी इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट सिक्सटी डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस थ्री सेंटीमीटर सर्कल के रेडियस क्या है यहाँ पे थ्री सेंटीमीटर तो इस तरह से हमने यहाँ पे थ्री सेंटीमीटर बना दिया देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट तो हमें यहाँ पे टेंजेंट यानी फाइंड 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 करना करना है या तो तो एंड कोई भी एक कर लो क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आपकी वैसे भी इक्वल होती है तो ये आप कैसे फाइंड करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ये एंगल आपका नाइनटी डिग्री होता है ये हमने थ्योरम पढ़ा है वहां पर के टेंजेंट और रेडियस के बीच में नाइन्टी डिग्री का एंगल बनता है तो ये हो गया आपका नाइन्टी डिग्री अब अगर मुझे यहाँ पे ये एंगल पता चल जाए क्योंकि ये तो पूरा एक ट्रायंगल बन ही रहा ये तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देती हूँ तो या तो आप यहाँ पे क्या करो अभी दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे कॉन्ग्रुएट करो या फिर यस yes, क्योंकि हमें साइड इक्वल करनी है तो हमें कांग्रूमेंट ही करना पड़ेगा तो ये दोनों ट्राएंगल को आप यहाँ पे क्या कर दो कॉन्ग्रूमेंट कर दो कॉन्ग्रूमेंट करने से क्या हो जाएगा ये एंगल इस एंगल के हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा सिक्सटी तो ये थर्टी हो जाएगा ये भी थर्टी हो जाएगा अब अब इस ट्राएंगल के अंदर हमें एक साइड पता है एक एंगल पता है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके और यहाँ पे इस साइड को फाइंड कर ले तो जितनी पी क्यू होगी उतनी ही हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी पी आर हो जाएगी ओके okay? तो ये हो गया हमारा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है ना वो मैथड तो लेंद ही है इतना सारा यहाँ पे पहले वो कॉन्ग्रूमेंट करो फिर सीपीसी टी से आप एंगल इक्वल करो उसके बाद इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो ये लेंदी क्वेश्चन हो गया बट दिया है तो सॉल्व करना पड़ेगा तो ये हो गया हमारा वन मार्क के क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि हमारा टू मार्क जैसा है तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था ये एंगल वन एंगल टू इक्वल क्यों होगा क्योंकि टेंजेंट uh, और रेडियस के बीच में नाइन्टी डिग्री का एंगल होता है फिर हमने दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट कर दिया वो भी मैंने आपको तीनों रीजन बता दिया था एक ये एंगल हो गया ये कॉमन हो गया और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो इक्वल होती है ये हमने एक और थ्योरम यहां पे यूज किया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुवेंट हो गए तो सीपीसी टी से एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर हो गया तो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर है दोनों तो का सम सिक्सटी है तो ये सिक्सटी बाय टू हो गया डिग्री नाउ अब इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर दिया है आपको नहीं समझ में आ रहा ट्रिग्नोमेट्री कैसे लग रही है तो एक्यूट एंगल हमेशा आपका बेस पे होना चाहिए तो टेन थीटा पी अपॉन बी होता है क्योंकि हमें यहाँ पे बेस फाइंड है परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो टेन थर्टी वन बाय थ्री होता है क्रॉस मल्टीप्लाई किया पी क्यू आपका थ्री रूट थ्री आ गया नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का ही सेकंड पार्ट पी क्यू इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया और पी क्यू यहाँ पे कोई टेंजेंट है तो ये हमने पी क्यू ले लिया इज अ टेंजन टू सर्कल विथ सेंटर इस सर्कल का सेंटर यहां पे क्या है o है इफ ओ पी क्यू इज एन आपका पे क्या एक है है यानी कि इसकी ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री होता है तो इसकी कोई भी दो साइड इसके सामने वाली तो आपकी हाइपोटेनियस हो गई तो ये तो कोई मतलब नहीं है ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएसोसेलिस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है देन फाइंड ओ क्यूपी तो ओ क्यूपी हमें ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड करना है तो आप यहां

से हमने लिख दिया ये एंगल वन तो ये आपका हो गया 180 अब 90 को उधर भेज दो तो ये हो गया 180 -90, एंगल वन प्रस एंगल प्रस एंगल प्लस ऑफ हो गया तो ये हो गया एंगल वन चाहिए तो टू इधर ले जाते हैं 180 में से 90 गया तो 90 एंगल टू आ गया डिवाइड में तो एंगल वन आपका यहाँ से कितना आ गया फोर्टी डिग्री हो गया ओके सिंपल क्वेश्चन तो यही हम इसको फेयर कर लेते हैं आपको आंसर कैसे लिखना है तो इस तरह से हमें यहाँ पे पूरा आंसर इसी तरह से सेम आपको वन मार्क का फिर भी इतना आंसर आपको वहां पे लिख देना है ना नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं टेंथ क्वेश्चन इन द ट्राइंगल ए बी सी तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड डी एंड पी ए बी पे और ए सी पे तो ए आपका यहाँ हो गया बी यहाँ हो गया सी यहाँ हो गया डी पॉइंट है यहाँ पर और ई पॉइंट uh, e है ए सी पे तो ये ई पॉइंट हो गया ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी ई आपका पैरल है बी सी के डी ई पैरल है बी सी के इफ ए ई इज टू सेंटीमीटर एंड ए डी इज थ्री सेंटीमीटर बी डी इज फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर देन फाइन सी ई ये हमें फाइन करनी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया तो ये हमारी थियोरम कौन सी लगेगी अगर किसी भी ट्राइंगल में इस तरह से यहाँ ये जो दो साइड पे ट्राइंगल किसी भी दो साइड पे पॉइंट को ज्वाइन करके कोई लाइन बनती हो तीसरी साइड के पैडल तो बीपीटी थ्योरम लगती है तो बीपीटी थ्योरम आपकी क्या हो जाती है कि ए डी यहां से लेके यहाँ तक ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू एन अपन ईसी नाउ वैल्यू पुट कर लो तो थ्री अपॉन फोर पॉइंट फाइव इक्वल टू टू अपॉन ईसीड करना है आपका ईसी इक्वल टू टू इन टू फोर थ्री आ गया यहाँ पे डिवाइड में तो ये इसको हटाया ये आ गया टेन डिवाइड में तो फाइव से कैंसिल करो टू टाइम और ये नाइन टाइम अब टू से ये टू कैंसिल हो गया थ्री से नाइन कैंसिल हो गया थ्री टाइम यानी कि यहाँ से सीई कहो या फिर इसको ई सी कहो एक ही बात है मैं इसको ई सी पढ़ू सी पढ़ू एक ही बात है तो ये आ गया मेरा यहां से थ्री सेंटीमीटर नाउ नेक्स्ट आप यहां पे देखो ये चैप्टर ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया 11th ही है है इन द फिगर इफ बी वन बी टू बी थ्री एंड ए वन ए टू ए थ्री हैव बिन मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंस इन वॉट रेशियो सी डिड ए बी तो ये जो आपको लाइन को डिवाइड करने का यहाँ पे दो मैथड थे एक आपका वन डायरेक्शन वाला मैथड था कि जो भी रेशियो होता था उसको हमें वन डायरेक्शन में ड्रॉ करना था और एक ये साइड जो आपकी स्ट्रेट होती है ना वो यहाँ पे ए बी लाइन को हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये ए बी इस तरह से ए बी को टूट यहाँ पे रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं एक रेशियो आपका ए सी हो गया एक सी बी हो गया तो देखो ये ए सी का रेशियो कहा आ रहा है यहाँ पे ये यह यहां से तो वन से लेके एट तक तो ये रेशियो हो गया आपका एट और ये लाइन यहाँ से कहा जा रही है फाइव तक तो एट इस टू फाइव रेशियो गया नहीं तो बुक में देखो समझाती हूं

आप यहाँ पे देखो ये यहां से ये वाला रेशियो अगर हम देखें तो ये थ्री तक आ रहा है तो ये थ्री और ये ऊपर आ रहा है टू तक थ्री तो टू हो गया तो ये लाइन जहां पर भी क्रॉस कर रही है ए बी को यहां है एट पे यहां पे है फाइव पे तो एट इज फाइव आपका यहाँ पे रेशियो हो गया नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो ट्वेल्व साइन ए प्लस टू वन है और ए आपका यहाँ पे थर्टी डिग्री है एंड बी यहाँ पे कोई एक्यूट एंगल है एक्यूट एंगल मतलब कि वो छोटा एंगल नाइनटी से छोटा एंगल एक्यूट एंगल होता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी तो हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यहां पे देखो तो हमें जो गिवन कंडीशन है उसके अंदर हम एक की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं एक की जगह थर्टी पुट कर लेते हैं अच्छा अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि रेशियो एट इज टू फाइव ही क्यों है फाइव इज टू एट क्यू नहीं है तो एक बार आप यहाँ देखो ये ए सी है तो ये वाली साइड बड़ी है ए सी साइड ये इसको डिवाइड करें टू पार्ट में ए सी बड़ा है सी बी छोटा है तो जो बड़ा है वो नंबर पहले आएगा एट बड़ा होगा एट इस टू फाइव हो जाएगा इसीलिए यहाँ अगर यहाँ छोटा होता तो फाइव पहले लेना है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लेना तो अब हमने यहाँ पे एक की जगह वैल्यू गिवन दी थर्टी पुट कर लिया साइन थर्टी आपका यहाँ पे कितना होता है वन बाय टू प्लस कॉस बी इक्वल टू वन हो गया अब हमें यहाँ से एंगल बी चाहिए तो वन बाय टू को उधर लेके जाओ कॉस बी इक्वल टू वन माइनस वन बाय टू वन हो जाएगा प्लस का वन बाई टू उधर आके माइनस का वन बाय टू वन में से हाफ गया हाफ बच गया तो कॉस बी की वैल्यू चाहिए तो हाफ में वैल्यू कॉस के लिए अकॉर्डिंग आपको रखनी है क्योंकि साइन थर्टी भी होता है वन बाय टू लेकिन हमें साइन नहीं रखना है क्योंकि हमें एंगल को कंपेयर करना पड़ेगा तो कॉस बी कॉस में अंदर वन बाय टू होती है कॉस सिक्सटी डिग्री की वैल्यू होती है तो ये भी कॉस है ये भी कॉस है तो एंगल भी सेम होगा तो दिस एम्प्लाइज बी आपका यहाँ से कितना आ गया सिक्स सिक्सटी डिग्री हो गया सिंपल नाउ नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन इफ एक्स इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा एंड वाई इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन देन फाइंड एक्स प्लस वाई तो कुछ नहीं करना दोनों को ऐड कर लो सॉल्व कर लो तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लिया टू साइन स्क्वायर थीटा और वाई की जगह रख लिया टू कॉस थीटा प्लस वन तो हमें है, थीटा प्लस स्क्वायर थीटा वन होता है तो पहले हम यहां से टू कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा यहां पे, थीटा प्लस, थीटा और प्लस वन यहाँ पे हो गया एज इट इज तो टू साइंस थीटा प्लस कॉ वो होता है वन तो टू इंटू वन प्लस वन तो टू इंटू वन हो गया टू प्लस वन यानी कि आंसर यहां से आपका कितना आ गया थ्री आ गया नाउ नेक्स्ट देखते हैं फोर्टीन इन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर फोर्टी टू सेंटीमीटर तो यहाँ पे क्या है एक सर्कल हमने बना लिया जिसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है इफ़ एन आर्क सब एन एंगल ऑफ 60 डिग्री तो हमने यहाँ पे इस तरह से एक आर्क बना ली जो 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रही है अब इसका डायमीटर 42 है तो ये ओ से लेके इसको मैंने ए ले लिया इसको बी ले लिया तो ओ ए और ओ क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी रेडियस फोर्टी का हाफ होती है तो ये भी ट्वेंटी हो गई ये भी ट्वेंटी हो गई दैन वॉट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क इस आर्क की लेंथ क्या होगी तो लेंथ आर्क ऑफ लेंथ फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू टू बाई आर तो इसको फॉर्मूला को लगा के हम यहाँ पे आर की जगह ट्वेंटी वन रख देंगे थीटा की जगह सिक्सटी रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया सारी थीटा की वैल्यू पुट कर लिया आर की वैल्यू पुट कर लिया पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी तो ये भी हमें पुट करना है पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो आंसर आप पाई में भी रख सकते हो तो ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया सिक्सटी से थर्टी थ्री सिक्सटी सिक्स टाइम हो गया सेवन से कैंसिल हो गया यहाँ पे थ्री टाइम थ्री टू या सिक्स हो गया यानी कि लेंथ ऑफ तो आर्क आपका यहां से कितना आ गया ट्वेंटी टू सेंटीमीटर यूनिट लगाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और सिक्सटीन लास्ट बचे हमारे इस टाइप के अंदर ट्वेल्थ सॉलिड स्पेयर ऑफ द सेम रेडियाई आर मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर तो यहाँ पे क्या कहा एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर है और इसको मेल्ट करके यहाँ पे क्या किया है ट्वेल्थ स्पेयर बनाए इस तरह से ओके okay? तो ये ट्वेल्व सॉलिड स्पेयर ऑफ सेम रेडियस सबकी रेडियस यहाँ पे सेम है और इस मेटेलिक सिलेंडर को मेल्ट करके बनाए हैं इसका बेस डायमीटर पे कितना है टू सेंटीमीटर है और इसकी हाइट यहाँ पे कितनी है सेंटीमीटर है फाइंड द डायमीटर ऑफ द ईच स्पेयर अब हमें यहां पे इसका डायमीटर फाइंड करना तो जब भी इस तरह से किसी एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है इक्वल हो जाता है तो इन ट्वेल्व स्पेयर का वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा फॉर्मुला लगाएंगे जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे और यहाँ से पहले रेडियस फाइंड करेंगे रेडियस को डबल करके और हम यहां पे फाइंड करेंगे उसका डायमीटर तो ये हमने फिगर सेम बना लिया जहां पे जरूरत हो वहां फिगर आप वहां पे बना लो ओके फिगर से जितना अच्छा एक्सप्लेन करोगे उतने मार्क्स नहीं कटेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ट्वेल्व स्पेयर यानी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आपका क्या होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब होता है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है तो ये डायमीटर आपका यहाँ पे टू सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस आपका यहाँ पे हो जाएगा टू बाई टू यानी कि हो गया वन डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस तो अब आप वैल्यू पुट कर लो तो आप यहाँ पे देखो पाई से ये

तो हैंड्स आपका यहाँ पे डाई कितना हो जाएगा डायमीटर ऑफ स्पेयर तो डायमीटर ऑफ स्पेयर आपका कितना हो जाएगा रेडियस का डबल तो यानी कि वन इंटू टू यानी कि ये हो गया आपका टू सेंटीमीटर नाउ नेक्स्ट आप देखो सिक्सटीन क्वेश्चन जो आपका प्रोबेबिलिटी से है फाइंड द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस तो आपको यहां पे पेयर ऑफ डाइस की टोटल कितनी कंडीशन होती है वो आपको यहां पता होनी चाहिए कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो टू डाइस को थ्रो करने पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स होते हैं टोटल थर्टी सिक्स तो वो मैंने आपको एक चार्ट बनाना सिखाया था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि जब आप टू डाइस को थ्रो करते हो तो इस तरह से आपकी पूरी एक टेबल बनती है उन सारे आउटकम्स को अगर हम काउंट करें तो टोटल थर्टी सिक्स आउटकम्स ये होते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से करके ये सिक्स पूरे रूम हैं तो ये आपके थर्टी सिक्स हो जाएंगे अब आपको कहा कि डब्लिट आने की क्या तो डबलेट का मतलब जहाँ पे सेम नंबर जैसे वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स तो टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टाइम आपके यहाँ पे डबलेट आ कम्स आपके आप गए यहाँ पे सिक्स टोटल आउटकम्स जो होंगे वो हो गए थर्टी सिक्स तो आंसर आपका यहां पे हो गया सिक्स बाय थर्टी सिक्स हो गया तो सिंपल क्वेश्चन तो है बिल्कुल बट आपको ये पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे वन डाइस को थ्रो करने पर टोटल आउटकम सिक्स होते हैं टू डाइस को थ्रो करने पर टोटल आउटकम्स आपके होते हैं थर्टी तो हम इस क्वेश्चन को ये आपको ये माइंड में रख करके और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अगर आपने ये वाला किया, तो आपको इस तरह से आंसर यहां पे लिखना है कि पेयर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हो हैं तो टोटल आउटकम्स हो गए टोटल प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई पॉसिबल आउटकम्स होता है तो सिक्स बाई थर्टी सिक्स हो गया सिक्स के टेबल में सिक्स आया टाइम थर्टी सिक्स आया तो इसी के ऑप्शन में एक और इसी चैप्टर से फाइंडिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन इट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स तो पहले आप यहाँ पे कार्ड्स को समझो क्योंकि अगर आपने मेरे वीडियो को देख के प्रोबेबिलिटी चैप्टर किया है तो ये कार्ड से रिलेटेड आपको एक भी डाउट नहीं होगा तो यहाँ पे कार्ड्स के अंदर टोटल फिफ्टी कार्ड्स होते हैं ताश के अंदर हमारे पास और ये चार पार्ट में डिवाइड होते हैं यानी कि इसमें चार तरह के कार्ड होते हैं थर्टीन थर्टीन के तो यहाँ पे थर्टीन 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 और ये थर्टीन तो ये फर्स्ट टू को हम ले ले लेते हैं रेड कलर के होते हैं और ये जो होते हैं वो आपके ब्लैक कलर के होते हैं ओके तो ये जो रेड कलर के हैं वो भी थर्टीन थर्टीन होते हैं और ब्लैक कलर के भी थर्टीन हैं तो इसमें आपका एक होता है हार्ट एक होता है आपका यहां पे डायमंड और जो ब्लैक होता है उसमें एक आपका होता है क्लब तो क्लब कैसे होता है ये से फूल पत्ती सा बना होता है ना और एक आपका यहां पे होता है स्पेड स्पेड आपका ये उल्टा हार्ट शेप होता है ओके okay, तो ये होते हैं आपके आ, ये इसको यहाँ पे समझ लो ये दोनों होते हैं आपके रेड कलर के और ये होते हैं आपके ब्लैक कलर के तो थर्टीन में से आपके वन टू लेके टेन नंबर तक तो सब में होंगे फिर जैक क्वीन फिर उसके बाद होता है किंग और उसके बाद है एस तो यहाँ पे टू क्वीन होगी रेड कलर की टू क्वीन होगी यहाँ पे ब्लैक कलर की अब हमें यहाँ पे चाहिए ब्लैक क्वीन तो दो ब्लैक क्वीन तो हमें ब्लैक क्वीन हमें यहाँ से कितनी मिलेगी हमारे पास टू है तो फेवरेबल आउटकम्स तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए फिफ्टी टी और फिफ्टी टू uh, और फेवरेबल आउटकम्स हो गए यहाँ से आपके टू तो प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स टू बाई फिफ्टी टू टू के टीम तो टू तो आया वन टाइम फिफ्टी टू एट ट्वेंटी सिक्स टाइम तो वन बाय ट्वेंटी सिक्स इसका आंसर हो जाएगा ओके okay, तो इस तरह से आपको यहां पे आंसर लिखना है पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स और ये प्रोबेबिलिटी ये तीन चीज आपको इसमें यहां पे लिखनी है तो आंसर आपका हो गया वन बाय ट्वेंटी सिक्स नाउ नेक्स्ट आप यहां पे देखो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन तो ये भी आपके यहाँ पे फोर क्वेश्चन है फोर के अंदर इस तरह से ए बी सी डी ई फाइव फाइव पार्ट होंगे इन में से आपको फोर सॉल्व करने हैं तो ये भी आपके टोटल सिक्सटीन क्वेश्चन है तो फर्स्ट केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे तो देखो मैं आपको इसको सॉल्व करने का किसी को ये इजी क्वेश्चन है वैसे तो बट किसी को कोई नया पैटर्न का कोई क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे उसको देख के पहले ही घबरा जाते हैं कि हाय राम इस कैसे केस स्टडी में कैसे क्वेश्चन आएंगे हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखो अगर मैं इस फिगर को नहीं भी रीड करती हूँ मैं इस कंडीशन को यहाँ बिल्कुल भी नहीं रीड करती हूँ फिर भी मैं फाइव में से एटलीस्ट टू क्वेश्चन तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर पाऊंगी देखो अब यहाँ पे देखो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट मैं बिना इसको पढ़े हुए यानी इन yani दोनों coordinate को करके जो भी आपका बन रहा है उसका मिड पॉइंट तो का फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं एक्स वन प्लस एस टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू

चार और है पाँच में से हमें कोई भी चार करने तो ये हमारा आ, फिगर से रिलेटेड है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस कॉर्डिनेट नहीं पता द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस नहीं पता फाइंड द कॉर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी के कॉर्डिनेट नहीं पता तो ये तीनों नहीं कर सकते ओके फिर ये इफ अ पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्राम क्यू एंड एस देन तो ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं हमें पता है कि ये पॉइंट हम यहाँ पर ले, ले लेते हैं क्यू ऐसे इसको हम पी लेते इसके कॉर्डिनेट हमें कि वन है एक्स वाई ये क्यू यानी कि नाइन एट से और एस यानी कि सेवनटीन एट से इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस पे यानी कि यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू पी एस है तो ये तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे हमें उसको देखने की जरूरत ही नहीं रही केस स्टडी ओके okay, तो हमने यहां पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लिया एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्यर वाई टू माइनस वाई वन स्वायर तो पी से क्यू तक का डिस्टेंस हमने लिख दिया और पी से एस तक के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया एक्स माइनस नाइन का स्क्वायर वाई माइनस एट का स्क्वायर फिर एक्स माइनस सेवनटीन का स्क्वायर वाई माइनस एट का स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो गया दोनों तरफ है तो ये और फिर रूट हट गया अब बचा अच्छा कौन यहाँ पे एक्स माइनस नाइन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एट का स्क्वायर एक्स माइनस सेवनटीन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एट का स्क्वायर तो वाई माइनस एट के स्क्वायर से वाई माइनस एट का स्क्वायर हट गया तो पहले आपका यहाँ पे क्या हटा है रूट हटा है ये

17 का स्क्वायर तो 17 का स्क्वायर आपका यहाँ पे हो गया 289 और ये हो गया 34x तो स्क्वायर से फिर से स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस के 34x को उधर लेके चले जाओ तो ये प्लस का 34x माइनस का 18x यहाँ पहले से है 289 यहाँ पहले से ये 81 इधर आके माइनस का 1 हो गया तो 34 में से 18 गया तो 16 बचा x 289 तो में से 81 गया टू हंड्रेड एट बजे तो x इक्वल टू कितना हो गया टू हंड्रेड एट डिवाइडेड बाय सिक्सटीन तो ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा सिक्सटीन से कैंसिल हो गया वन टाइम फोर्टी एट तो ये थ्री टाइम तो x इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना आ रहा है आ रहा है थर्टीन तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो थर्टीन को उधर ले जाओ तो एक्स माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो तो ये देखो दो क्वेश्चन तो मेरे यहाँ पे बिना उस फिगर को पढ़े ही होंगे अब बच्चे दो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो आपको लगता है टाइम कंज्यूमिंग है तो आप आगे बढ़ जाओ लास्ट में आके सॉल्व करना तो इस तरह से आप अगर आप आगे भी देखोगे ना तो इसी तरह से आपके चार पार्ट में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे सिक्स टू सेवन क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिना उनको केस स्टडी को पढ़े हुए सॉल्व हो जाएंगे नाउ अब हम इस फिगर की तरफ जाते हैं तो ये सिंपल तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ

इट विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल ऑफ हाउस तो हमारी ये वॉल है ये ये मतलब इसके इस तरफ है ना ये प्लेन वॉल है वॉल के ऊपर इस तरह से बनाए एक ये ये वॉल हो गई ये हो गई ये ये हो गई किस तरफ हो गई तो इस तरह से ये एक ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है। चार वॉल को बना करके एक सन रूम बनाया पीछे इसके बिल्कुल फ्लैट है द फोर वॉल्स ऑफ द सन रूम आर स्कर ग्लास पैनल्स तो इसमें से फोर वॉल्स जो है वो ग्लास पैनल्स की बनी है द रूफ इज मेड अब ये छत इसने कैसे बनाई ये तो ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं यहाँ पे छत कैसे बनाई है फोर क्लियर ग्लास पैनल्स ट्रिपीजियम इन शेप ऑल द सेम साइज तो ये जो आपके ट्रिपीजियम दिख रहे हैं ये सारी सेम साइज के हैं वन टेंटेड ग्लास फेनल हाफ अ रेगुलर ऑक्टागन इन शेप तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ये ऑक्टागन का हाफ है ओके okay? तो ये अब आप यहाँ पे देखो इस ये वाला है आपका टॉप व्यू यानी कि ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना ये आपका है टॉप व्यू इसमें ये चार ट्रिपीजियम है ये ऑक्टागन को हाफ कर दिया है तो ये चारों साइड ऑक्टागन में क्या होती है इक्वल होती है तो ये ऑक्टागन गन यहाँ पे हो गया फिर अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखते हो तो ये चार यहाँ पे आपके क्या हो गए ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं और ये आपके स्क्वायर शेप के थे ऊपर वाले तो ये हमारे यहाँ पे हो गए अब अब यहाँ पे देखो अब हमें इसको देख के ये टॉप व्यू है ये फ्रंट व्यू है अब इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखना है तो फर्स्ट क्या रेफर टू टॉप व्यू रेफर टू टॉप व्यू तो हमें अब आप यहाँ पे देखना टॉप व्यू को ये वाले व्यू को देखना है तो द डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द वाई एक्सिस हमें अब इस पॉइंट पी की तो पॉइंट पी यहाँ पे कहाँ है अब आपको टॉप व्यू का है लेकिन टॉप व्यू में तो कहीं पर भी पॉइंट पी नहीं है जो पॉइंट पी है वो तो फ्रंट व्यू में तो अब हमें इस पॉइंट पी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो देखो ये कॉर्डिनेट आपका बना हुआ है ये आपका वाई हो गया ये आपका एक्स हो गया ये ऑरिजिन हो गया अब इस पी पॉइंट पी के आप कॉर्डिनेट फाइंड कर लो तो आप देख लोगे कि वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है तो मैं अगर यहाँ से आती हूँ इस पॉइंट से मैं कितना चलती हूँ

ये हमारी एक्सेस है ये ए यहां पर हो गए पहले ए के कॉर्डिनेट लिख देते हैं तो ए का कॉर्डिनेट यहां से सिर्फ यहां से यहां तक एक चले हैं एक्स के लिए हम चलते हैं एक्स के लिए हम चलते हैं ऑरिजोनटल वाई के लिए हम चलते हैं वर्टिकल तो यहां से ओनली यहां तक आए हैं तो ये हो गया ए का कॉर्डिनेट वन अब हमें ऊपर जाना है वाई के कॉर्डिनेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो वह इसके कॉर्डिनेट हो गए वन कॉमा एट हो गए नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं हम अब ए और किसके बीच में एस के बीच में तो एस आपका यहाँ पे कहाँ है ये रहा, ओके okay? तो y कोऑर्डिनेट तो इसका भी 8 ही रहेगा क्योंकि यहां से यहां तक जो a है वहीं पे s है तो s का y कोऑर्डिनेट भी आपका एट रहा लेकिन x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा तो, यहां से पूरे 17 box, तो 17 लिख दिया, वर्टिकल चलेट बॉक्स तो एट हो गया अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो एक के ऑर्डिनेट हम उधर ही लिख लेते हैं के कोऑर्डिनेट हो गए हैं वन कॉमा एट और एस के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए हैं सेवनटीन कॉमा एट तो डिस्टेंस वाला फॉमुला तो जस्ट अभी हमने सॉल्व किया तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर तो ये हमने कर दिया सेवनटीन माइनस वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वन वन का स्क्वायर तो एट माइनस एट का स्क्वायर तो ये तो हो गया आपका जीरो तो रूट में बचा है ओनली सेवनटीन माइनस वन का स्क्वायर बचा तो सेवनटीन माइनस वन आपका कितना होता है सिक्सटीन और सिक्सटीन को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फोर का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया आंसर आपका यहाँ से कितना आ गया फोर तो यहाँ पे कर दिया ना गड़े जल जल् के चक्कर में सेवनटीन माइनस वन सिक्सटीन ये सिक्सटीन का स्क्वायर था ये स्क्वायर तो भूल गए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया ना तो ये तो हो गया रॉन्ग तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है ये देखो सिक्सटीन का स्क्वायर है और इसका रूट है तो इस स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो जाएगा ना तो आंसर आपका आ गया यहाँ पे 16 आ गया ओके फिर इजी है क्वेश्चन नहीं लग रहा ना अब तो टफ आपको फिगर समझा दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो तो हमें यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट तो हमने अभी निकाले थे वन कॉमा एट और बी के कोऑर्डिनेट तो हमें यहाँ पे लिखने हैं और एक लाइन है वो उसको वन इस टू थ्री रेशियो में डिवाइड कर रही है तो हमें फॉर्मूला पता है इस तरह से इसको डिवाइड करना है तो एम वन एक्स टू प्लस m2 x1 divided by m1 plus m2. और ये हो गया एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू यही हमारे पास फॉर्मूला होता है तो हमें सिर्फ बी के कॉर्डिनेट लिखने हैं तो बी के कॉर्डिनेट अब यहाँ से देखो हम लिखते हैं अभी जैसे हमने अब कॉर्डिनेट लिखना है तो आपको आ गया इजिली लिख सकते हो तो ये कौन सा व्यू है हमारे पास ये है टॉ फ्रंट व्यू तो फ्रंट व्यू से हमें लिखना है ये हमारा फ्रंट व्यू ये रहा तो ए के कॉर्डिनेट तो हमारे लिखे हुए अब बी के देखते हैं तो बी के लिए आप यहाँ से देखो कितना चले हो तो ये हम यहाँ से चले हैं वन टू थ्री फोर और ये फाइव तो ए बी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके फाइव और यहाँ से ऊपर कितना चलें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हम चलें तो बी के कोऑर्डिनेट आपके यहाँ से कितने हो गए फाइव कॉमा टेन तो अब हम इनके बीच में डिस्टेंस ये इसको वन एस टू थ्री रेशियो में डिवाइड कर रहे ना तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेशियो फाइंड करते फाइव टू टेन हो गया ये एम वन हो गया एम टू हो गया ये एक्स वन एक्स वाई वन एक्स टू वाई टू हो गया तो नाउ कोऑर्डिनेट लिख लो वन इन टू फाइव एम वन एक्स टू तो ये हो गया फाइव इंटू वन फाइव हो गया प्लस थ्री इंटू वन थ्री हो गया divided by 1, प्लस 3 हो गया फिर वन इंट एम वन वाई टू टेन इंटू वन टेन हो गया प्लस एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर बाय प्लस थ्री हो गया तो आंसर क्या आ गया आपका यहाँ से फाइव प्लस थ्री एट बाय फोर हो गया और ये हो गया थर्टी फोर बाय फोर हो गया तो एट बाय फोर आपका यहाँ से कितना हो गया टू हो गया और ये आप यहाँ पे इसको फोर से कैंसिल करोगे तो आ, एट टाइम हुआ थर्टी सिक्स टू बचा तो ये हो गया एट पॉइंट फाइव हो गया तो आंसर कौन सा हो गया आपका ये टू पॉइंट जीरो एट पॉइंट फाइव तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो ये आपका सिमिलरिटीज है ये आपका कॉर्डिनेट से था ये सिमिलरिटीज है स्केल फैक्टर आपको बताया है स्केल फैक्टर की यहाँ पे डेफिनेशन बताइए कि स्केल ड्राइंग ऑन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट अ डिफरेंट साइज तो स्केल ड्राइंग आपकी क्या होती है कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट उठा रहे हो तो वो सेम शेप का होगा शेप उसकी ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही होगा अगर आ, यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल ही होगा लेकिन दोनों की साइज डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर का मतलब यही तो होता है साइज अलग अलग हो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है सब कुछ सेम होना चाहिए एंगल भी सेम साइड भी सेम लेकिन आपका सिमिलरिटी की अगर हम

तो वो शेप आपके यहां पे क्या हो जाती है सिमिलर हो जाती है जैसे ये ऊपर वाला ट्राइंगल है अब इसके सेम का सेम आपने यहां पे नीचे एक और ट्राइंगल बना लिया है तो हमें पता है ट्राइंगल की साइड का रेशियो इक्वल होता है तो ये ट्राइंगल बड़ा है ये ट्राइंगल छोटा है लेकिन रीसाइज करके बनाया इस तरह से आपका सिमिलर होता है तो कौन कौन सी कंडीशन पर सिमिलर होता है तो आप यहां पर देखो ये आपको दिया हुआ है कि अब आप इसको ये आपका मेरर यहाँ पे शेप है इसको आपने रोटेशन कर दिया या टर्न कर दिया इस तरह से तब भी ये दोनों क्या होंगे सिमिलर होंगे फिर किसी साइज का रिफ्लेक्शन होगा या आपने उसको तो इस तरह से फ्लिप कर दिया तब भी वो आपके क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे या ट्रांसलेशन और साइड का तो इस तरह से हमने स्लाइड का ट्रांसलेशन कर दें ओके तब भी वो हमारा यहाँ पे सिमिलर है। तो हैंड्स टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन बिकम द अदर आफ्टर रीसाइज करो फ्लिप करो स्लाइड करो या टर्न करो तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपको बता रहा है अगर आप किसी भी एक शेप को रीसाइज कर लो फ्लिप कर लो स्लाइड कर लो या टर्न कर लो तब भी वो आपस में सिमिलर रहते हैं अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे ओके okay, तो अब आप यहाँ पे देखो तो बिना अगर हम इसको नहीं पढ़ते तो हम कौन से कौन से क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं तो अ मॉडल ऑफ़ अ बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ वन इज टू फोर तो ये मेन uh, बोट है इसका एक मॉडल बनाया है तो ये आपका फोर टाइम है और ये इसका वन टाइम है द मॉडल आपका जो है मॉडल इज वन ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग ये जो मॉडल है आपका ये वन ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग है ओके okay, इसकी तो कोई बात नहीं है द फुल साइज ऑफ द बोट हैज सिक्सटी सेंटीमीटर ये फुल साइज बोट है इसका विर्थ जो आपको दिया हुआ है यहां पर सिक्सटी सेंटीमीटर है वॉट इज द विर्थ ऑफ द स्केल मॉडल तो इसकी जो विर्थ का स्केल मॉडल क्या होगा तो आप यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे इस बोट और इस बोट में रेशियो दिया हुआ है फोर इज टू वन का अब इसके विर्थ 60 है तो इसकी विर्थ कितनी होगी 60 यानी ये वन है तो ये फोर टाइम है अगर ये 60 है तो इसको भी आप यहाँ पे फोर टाइम कर दो यानी कि या फिर इसका वन बाय कर दो ओके ये भी हम कह सकते हैं तो ये सिक्सटी का वन बाय किया तो वन ये आपका हो गया फिफ्टीन टाइम तो ये आपका ही हो गया अब देखो वन रेशियो

ये शेडो वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे कर सकते हैं द शेडो ऑफ अ स्टिक फाइव मीटर लॉन्ग इज टू मीटर तो ये स्टिक है और ये एक आपका ट्री है तो ये शेडो जो है इस स्टिक की फाइव मी, मीटर लॉन्ग ये स्टिक की लेंथ कितनी है ये आप यहाँ पे नहीं रही है ये फाइव मीटर लॉन्ग स्टिंग है और इसकी शेडो आपकी यहाँ पे टू मीटर है एट द सेम टाइम द देडो ऑफ अ ट्री ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर हाई ये ट्री जो है वो आपका ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर हाई है इसकी शेडो का हमें यहाँ पे रेशियो बताना है तो ये दोनों ट्राइंगल आपके एंगल एंगल से सिमिलर होंगे क्योंकि एक एंगल तो ये नाइनटी डिग्री नाइन्टी डिग्री आपका यहां पे हो गया और ये सन का एल्टीट्यूड का एंगल भी आपका यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो भी आपका सेम होगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो 12.5 पॉइंट अपॉन फाइव इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 12.5 को पहले रखा ना तो ये शेडो ऊपर आएगी तो मैं इसको यहाँ पे एक्स ले लेती हूँ एक्स अपॉन ये होगी 2। तो अब इसको एक्स चाहिए टू को उधर लेके चले जाओ तो ये यह आपका यहाँ पे हो जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव ये आपका एक्स हो गया डेसीमल हटाया डिवाइड में टेन आ गया फाइव से ये हमने कैंसिल किया टू टाइम फाइव टाइम और ये टू से फाइव टाइम कैंसिल तो ये आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे फाइव मीटर तो ये दो क्वेश्चन तो देखो हमने कर लिए बिना कुछ उसको स्टोरी को पढ़े हुए तो इसी तरह से अब हमें दो और करने अब आप यहाँ पे देखो मैंने आपको स्टोरी तो समझा दी वॉट विल इफेक्ट सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन तो किसी भी टू पॉलीगन की सिमिलरिटी को क्या इफेक्ट करता है दे आर फ्लिप्ड हॉरिजोंटली अगर आप उसको फ्लिप करते हो तो वो ट्राइंगल आपके सिमिलर ही रहते हैं तो इन चार कंडीशन में से कौन सी कंडीशन है जो उसकी सिमिलरिटी को इफेक्ट करती है वो आपको यहाँ पे बताना है तो यहां पे देखो अभी मैंने आपको यहां पे कंडीशन बताई थी ये देखो ये इसको आपको क्वेश्चन को ये पढ़ना है देखो करने 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 पर करने पर करने पर करने पर फ्लिप स्लाइड टर्न सिमिलरिटी इफेक्ट नहीं होती है या फिर ये जो आप रिफ्लेक्शन है मिरर इमेज है स्लाइड कर लो रोटेशन कर लो इन पे सिमिलरिटी इफेक्ट नहीं होती है ठीक है तो अब आप यहाँ देखो फ्लिप किया तो सिमिलरिटी इफेक्ट नहीं होगी और स्केल फैक्टर बनाने पर भी स्केल फैक्टर भी उसका एक रेशियो होता है तो ये आ, ये आपका यहां पर भी नहीं होगी फिर ट्रांसलेटेड डाउन करो तब भी नहीं

पे ये रेशियो ले रहे हैं ये थ्री है और ये टू है थ्री टू का रेशियो ले रहे हैं विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ द टू इज ट्रू तो ये भी आपका बिना उस क्वेश्चन को पढ़े हुए आप सॉल्व कर सकते हो तो मैंने तीन क्वेश्चन ऐसे जो हम यहां पे सॉल्व कर सकते क्योंकि ये सारी थ्योरम्स आपको आर डी शर्मा में से मैंने करवाई हुई है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और इसकी स्केल फैक्टर एस टू बी है तो रेशियो ऑफ दैरीमीटर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके पेरीमीटर का रेशियो भी साइड के रेशियो के इक्वल से होता है तो ये आपका रॉन्ग है थ्री ए इस टू तो बी नहीं तो आप यहां पे एक चीज को यहां पे याद रखो अगर दो ट्राइंगल स्केल फैक्टर एस टू तो बी से सिमिलर है तो उसके पैरीमीटर एल्टीट्यूड मीडियन बायसेक्टर ये सब आपके एस टू बी रेशियो में ही होंगे तो पेरीमीटर भी एस टू बी होना चाहिए था बट ये थ्री एस टू बी है तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है इसका एल्टीट्यूड भी एस टू बी होना चाहिए था यहां भी एस टू बी ए तो ये ऑप्शन राइट है उनके मीडियन का रेशियो भी एस टू बी होना चाहिए था तो ये नहीं है और देयर एंगल बायसेक्टर है वह रेशियो ए स्क्वेयर एस टू बी स्क्र तो ये भी रॉन्ग है तो अगर अगर स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल सिमिलर है और स्केल फैक्टर एस टू बी है तो पेरीमीटर ले लो एल्टीट्यूड ले लो मीडियम ले लो या एंगल बाइसेक्टर ले लो वो सारे ही एस टू बी में ही आएंगे तो ये हो गए हमारे तीन क्वेश्चन बिना उस के पढ़े हुए हो गए फिर नेक्स्ट आपका ई e वाला आप यहां पे देखो बिलो यू सी अ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फार्म हाउस रूफ विथ मेजरमेंट्स तो आपको यहां पे ये फिगर दिया हुआ है ओके okay, ये यह आपका यहां पे ये फिगर है तो so, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं द एटिक फ्लॉर ए बी सी डी इज द मॉडल इज ए स्क्वायर तो यहां पे ये यह जो ए बी सी डी दिया है ये एक स्क्वायर है ओके okay? द बीम दैट सपोर्ट द रूफ आर द एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म तो ये जो बीम है आपकी ये ई एफ जी एच और ये के एंड एल एम ये इसकी बीम है ये ये आपकी किसके अंदर है रेक्टेंगुलर प्रिज्म है ई इज द मिडिल ऑफ ए टी एफ इज द मिडिल ऑफ बी टी जी इज द मिडिल ऑफ सी टी एंड एच इज द मिडिल ऑफ डी टी तो ये यहाँ पे यानी इस साइड का ये मिडिल पॉइंट है ये इसका मिडिल पॉइंट है जी इसका मिडिल पॉइंट है एफ इसका यानी वन टू थ्री फोर के ये चार मिडिल पॉइंट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं ऑल द एजेस ऑफ द पिरा मॉडल तो इस पिरामिड की जितनी भी एजेस हैं, तो पिरामिड आपका यहाँ पे कौन सा हो गया ये पिरामिड हो गए इस तरह से तो इनकी ये सारी जो एजेस हैं, ये आपको कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर की दी हुई देखो यहाँ लिखा हो ना ये ट्वेल्व मीटर सॉरी ये 12 है ये भी 12 है ये भी 12 है वॉट इज द लेंथ ऑफ ई एफ तो हमें इस ई एफ की लेंथ बतानी ये वाली लेंथ हमें बतानी है वेयर ई एफ इज वन ऑफ द हॉरिजोंटल एजेस ऑफ द ब्लॉक जहां पे ये इसकी क्या है इस ब्लॉक की हॉरीजोंटल एजेस है तो हम यहां पे देखो मैं यहां पे इसके अंदर ये देखो ये वाला पोर्शन ये वाला ट्राइंगल मैं यहां पे देख रही हूं ये वाला ट्राइंगल हम यहां पे देख रहे हैं बाकी को हम नहीं देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है एक इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है और ये भी आपका 12 है सॉरी uh, ये ये भी आपका ट्वेल्व है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ ना ये ट्वेल्व ये ट्वेल्व ये, ये प्रिज्म सारे ट्वेल्व है तो ये आपका है ट्वेल्व मीटर ये है ए बी और ये आपका यहाँ पे टी फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ कि e, है कि ई इसका मिड पॉइंट है और F इसका मिड पॉइंट है तो जब आपको किसी ट्राइंगल में किसी दो साइड पे अगर मिड पॉइंट दिए हुए हो और उसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये साइड ट्राइंगल की थर्ड साइड के क्या होती है पैरल होती है e e F होती, ए एफ एज पैरल होती है ए मिड पॉइंट थ्योरम में एंड ई एफ जो हमारी क्या होती है वो थर्ड साइड के हाफ भी होती है ये होती है ये हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है नाइन्थ क्लास में <laughs> मिड पॉइंट थ्योरम अभी भी पढ़ा है तो अब ये आपको यहाँ पे ट्वेल्व दिया हुआ है तो ई एफ आपकी यहां पे कितनी हो जाएगी हाफ ऑफ ए बी यानी हाफ ऑफ ट्वेल्व हो गया हाफ ऑफ ट्वेल्व यानी कि सिक्स मीटर हो गया यानी ऑप्शन ये वाला हमारा राइट right है ओके नाउ नाइन नेक्स्ट देखते हैं आपका नाइनटीन अब ये हमारा 19 क्वेश्चन है इसके बाद हमारा 20 हो रहे तो देखो बिना फिगर को देखे हुए बिना केस को पढ़े हुए हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम पहले वो देखते हैं ओके okay? एन ए हाईवे ओवर पास इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट दैन इट्स जीरोज आर तो इसके जीरोज हमें फाइंड करने जीरोज़ के लिए हमें फिगर देखने की क्या जरूरत है स्टडी पर करने की जरूरत नहीं हम डायरेक्ट यहाँ पे जीरोज फाइंड कर सकते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या क्वाडिटिक फॉर्मूला से भी आप यहाँ पे कर सकते हो तो ये हो गया एक्स स्क्वायेर माइनस तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो पी माइनस क्यू आपका बी यानी कि टू होना चाहिए और पी इंटू क्यू यानी कि यहाँ पे एट होना चाहिए तो ये मुझे बताया फोर इंटू टू मेरा एट होता है और फोर माइनस टू मेरा यहाँ पे टू होता है तो तो ये ये इस टू की जगह हमने रखा यहाँ पे रख दिया और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स हो गया माइनस एट इक्वल टू जीरो बाहर आ गया तो ये एक्स माइनस फोर हो गया फिर प्लस टू यहाँ से कॉमन लिया x माइनस फोर हो गया इक्वल टू जीरो तो ये हो गया x माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो तो हमारे जीरो कौन हो गया जब x माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो फोर आ जाएगा जब एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो तो इधर आके माइनस का टू हो जाएगा तो आंसर आपका क्या हो गया ये वाला फोर कॉमन माइनस टू अब ये वाला क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा उसको देख के है तो अगर आपने मेरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने क्वाड्रेटिक चैप्टर का अच्छे से पढ़ा होगा तो ये भी आंसर आप दे पाओगे ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोम इज तो ये देखो बुक के अंदर ये यहां से मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये आपकी यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो इसका ग्राफ या तो इस तरह से आएगा या इस तरह से आएगा दो तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके ग्राफ आएंगे तो ये हमारी शेप क्या होती है पैराबोला शेप कहते हैं तो पैराबोला शेप आपको वैसे भी केस स्टडी में समझा चुके हैं पैराबोला वहां पे क्या है तो ये शेप जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है पैराबोला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आप ग्राफ बनाओगे ना तो वो स्ट्रेट लाइन होता है स्ट्रेट लाइन आपका नहीं होगा वो लीनियर इक्वेशन का होता है सर्कल भी नहीं बनेगा एलिप्स अभी आप नहीं जानते हो तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा पैराबोला तो इसका भी आंसर हम दे सकते हैं so, ये वाला द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडर पास वन जीरो सम ऑफ इज तो ये वाला क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं हमें एक इक्वेशन बनानी है हाईवे अंडर की जिसका एक जीरो सिक्स है तो लेट की एल्फा इक्वल टू हमारा सिक्स है एंड सम ऑफ द जीरो इज जीरो यानी कि एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो तब आपको इक्वेशन बनानी इक्वेशन बनाने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस बीटा और फिर होता है आपका प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारी इक्वेशन बनने का फॉर्मूला होता है एल्फा प्लस बीटा है एल्फा इंटू बीटा चाहिए तो एल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो बीटा आ जाएगा तो सिक्स प्लस बीटा इक्वल टू जीरो तो बीटा इक्वल टू यहाँ से प्लस का सिक्स इधर के माइनस का सिक्स हो गया नाउ वैल्यू पुट कर लो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एल्फा प्लस बीटा तो आपका यहाँ पे हो गया जीरो एल्फा है सिक्स बीटा है माइनस सिक्स तो ये आप इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर जीरो इंटू एक्स तो आपका कैंसिल हो गया प्लस माइनस माइनस सिक्स इंटू सिक्स हो गया थर्टी सिक्स तो देखो कौन सा आंसर राइट है दो तो हमने दो क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन पहले कर लिया ये सेकंड कर लिया ये थर्ड कर लिया अब ये आपका फोर्थ वाला देखो द नंबर ऑफ जीरोस दैट द नंबर ऑफ़ जीरोज़ दैट पॉलिनॉमिल इसमें इस इक्वेशन इस के नंबर ऑफ़ जीरोज कितने होंगे लीनियर इक्वेशन का वन होता है क्वाड्रेटिक का टू होता है और आपका यहाँ पे क्यूबिक के थ्री होते हैं तो ये इक्वेशन देखो अगर मैं इसको ओपन भी करती हूँ तो एक्स की पावर यहाँ पे मैक्सिमम पावर टू ही आएगी तो मैक्सिमम पावर आपकी टू आ रही है इसका मतलब यहाँ पे मैक् जीरोज़ आपके कितने होंगे टू होंगे अब हमारा एक क्वेश्चन बचा है वो देखते हैं ठीक है अब हम देखो यहाँ केस पढ़ लेते हैं अब पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम पी एक्स तो पैराबोला की इक्वेशन आपको किस में दी हुई है एक्स की फॉर्म में दी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पैराबोला क्या होता है ये जो शेप होती है ना आपकी ये वाली जो भी मैंने आपको बताई देखो यहाँ पे ये इस तरह से बन रही है एक आपकी शेप पैराबोला ये अंडर पास है हाईवे के अंदर से हम जा रहे हैं एक पैराबोला ये एक ये एक ही ऊपर वाला थोड़ा सा भी कर्व लिए हुए है ना तो ये भी आपका ओवर पास है ओके तो इक्वेशन आपकी एक्स की फॉर्म में है एक्सिस सिमेट्री तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन थ्रू द ये आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं ओके okay? तो ये हमारा यहाँ हो गया अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा द हाईवे ओवर ये वाला हाईवे ओवरपास इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस ग्राफिकली तो हम इस पॉलिनोमियल के क्योंकि हमारी क्वाटिटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसके हम जीरोज को ईजिली ग्राफिकली लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तभी होगा क्योंकि इक्वेशन आपकी किस में है एक्स में दी

या, जो आपका इन दोनों को सबसे सिंपल वाला जो मेथड है डायरेक्ट मेथड वो हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं तो सिंपल मेथड के लिए आपको आई फाइंड करना पड़ेगा तो जीरो प्लस ट्वेंटी बाय टू तो ये हो गया आपका टेन फोर्टी प्लस ट्वेंटी बाय टू तो ये हो गया आपका थर्टी सिक्सटी प्लस फोर्टी बाय टू ये हो गया आपका फिफ्टी एटी प्लस सिक्सटी बाय टू तो ये आपका हो गया सेवेंटी और हंड्रेड प्लस एटी बाय टू तो ये आपका यहां पे हो गया नाइन्टी तो इन सबको अब आपको एफ एक्स करना पड़ेगा ये फ्रीक्वेंसी ये फ्रिक्वेंसी है सॉरी तो एफ इंटू एक्स तो तो ये fx फाइंड करो तो एट इंटू टेन आपका एटी टेन इंटू थर्टी आपका हो गया थ्री हंड्रेड थर्टीन इंटू फिफ्टी तो ये थर्टी सिक्सटी फाइव हो गया जीरो uh, हो गया फोर ट्वेंटी और ये हो गया टू सेवेंटी तो इन सबको जब आप सम करोगे तो आएगा वन सेवन टू जीरो तो मीन आपका यहां पे क्या हो जाएगा समेन fx अपॉन समीशन एफ तो इन सब का जब आप सम करोगे तो समीशन एफ आपका, तो आपका हो गया 1, 7, 2, 0 40, 0 से जीरो 0 हो गया आंसर so, आ, आ, आ रहा है तो ये हमारा फोर्टी थ्री आंसर राइट हो गया फिर वॉट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास तो इसमें से मॉडल क्लास कौन सी होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉडल क्लास होती है तो so, इनमें से सबसे फ्रीक्वेंसी कौन सी ज्यादा है थर्टी तो ये हमारी हो गई मॉडल क्लास तो मॉडल क्लास में अपर लिमिट कौन सी है सिक्सटी है तो इसका आंसर आपका यहाँ से क्या हो गया ये आंसर हो गया आपका यहाँ पे सिक्सटी फिर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द वॉट तो हम सी एफ कहाँ पर किसके लिए बनाते हैं मीन के लिए बनाते हैं नहीं मोड के लिए बनाते हैं नहीं, नहीं तो हम सिर्फ किसके लिए बनाते हैं मीडियन के लिए बनाते हैं तो ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास तो आपको यहां पे लोअर लिमिट के एड करके बताना है यानी कि ये, मो, ये मोड क्लास का लोअर लिमिट तो हमें पता है मोड का तो हमें लोअर लिमिट यहां से पता चल गया 40 है अब मीडियन मीडियन अकेले हमें मॉडल क्लास कैसे पता चलती है आपको पहले सी एफ कैलकुलेट करना पड़ता है तो सी एफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इस फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देते हो पहला आपका एट आ गया फिर एट प्लस टेन तो ये हो गया एटीन फिर एटीन प्लस थर्टीन तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा थर्टी वन थर्टी वन प्लस सिक्स तो ये हो गया आपका थर्टी सेवन और थर्टी सेवन प्लस थ्री तो, से तो अब आपको यहाँ पे एन कैलकुलेट करना होता है तो यानी कि 20. तो 20 तो uh, यही आ रही है, 31 इसी का है ना, तो मीडियम क्लास की लोअर तो लिमिट भी है 40, तो दोनों का सम कर लो फोर्टी प्लस फोर्टी यह हो गया आपका आपका एटी तो ये भी हमारा हो गया यहाँ पे सिंपल सा तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इसका आंसर हमारा हो गया यहाँ पे 80 आंसर हो गया फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस विद इन वन मिनट कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेस को वन मिनट में फिनिश किया है तो आप यहाँ पे देखो वन मिनट तो आपको यहाँ पे टाइम जो दिया वो सेकंड्स में दिया हुआ है अभी सेकंड को मिनट में चेंज करो तो वन मिनट से पहले पहले ये लिखा है ना हाँ वो मैंने स्टूडेंट फिनिशे विद इन एक मिनट के अंदर किन किन स्टूडेंट ने रेस को फिनिश किया है तो इन्होंने भी जो जीरो से लेके ट्वेंटी सेकेंड लिया है वो एट स्टूडेंट उन्होंने भी वन मिनट के अंदर किया 20 के है ट्वेंटी से लेके फोर्टी सेकेंड जिन्होंने लिए उन्होंने भी वन मिनट के अंदर किया है फिर फोर्टी से लेके सिक्सटी तो सिक्सटी हम यहाँ पे अपर लिमिट को इसमें काउंट नहीं करते देते फोर्टी से लेके फिफ्टी नाइन तो ये भी वन मिनट के अंदर काउंट किया और ये सिक्स और थ्री इन्होंने वन मिनट से ज़्यादा का टाइम लिया है बस एट आपका यहाँ पर कितना हो गया तो एट प्लस टेन प्लस थर्टीन तो ये आंसर आपका यहाँ से कितना आ गया थर्टी वन इन तीनों को ऐड करो थर्टी वन आ रहा है तो ये आंसर आपका यहाँ पे हो गया थर्टी वन तो आई होप आपको ये सेक्शन ए पूरा यानी केस स्टडी वाला पार्ट पढ़ के ये तो आपको लगा होगा कि हमने वन टू सिक्सटीन जो क्वेश्चन किए थे ना ये तो उससे भी ईजी है तो उससे भी जल्दी टाइम में हमारे सॉल्व हो गए तो डरना नहीं है बस इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन तो बिना केस स्टडी पढ़े हुए भी हो जाएंगे कुछ के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको वहाँ पर लग जाएगा तो बहुत सिंपल है आपके लिए सेक्शन है लेकिन टाइम लिमिट का आपको ध्यान रखना है मुझे पूरा एक घंटा दस मिनट लगभग लगे हैं इसको सॉल्व करने में तो मुझे तो एक्सप्लेन करना पड़ा है पर मेरे हिसाब से आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो फोर्टी फाइव या फोर्टी मिनट में इसको सॉल्व कर लोगे तो अभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू